विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासट ने यह फैसला लिया है। इसके लिए आरपीएससी को पत्र लिख दिया गया है बकायदा, और अब आरपीएससी जल्द ही परीक्षा की नई तारीख घोषित करेगी। आपको यह भी बता दें कि यहां पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 से 23 जनवरी के बीच होना था पहले। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसकी तारीख आगे खिसकाने की मांग कर रहे थे, यानी कि आगे किया जाए परीक्षा की तारीख। इसके लिए जयपुर में पिछले 7 दिनों से अभ्यर्थियों का धरना भी लगातार जारी था, और अब अभ्यर्थियों के हक में ये खबर सामने आई है। धरना ये कर रहे थे लगातार, परीक्षा की जो तिथि थी उसको आगे शिफ्ट करने की ये मांग कर रहे थे। पहले जो तिथि निर्धारित की गई थी परीक्षा की, जो डेट शीट थी, वो 15 जनवरी से 23 जनवरी के बीच होनी थी। जी मीडिया संवाददाता ललित इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको देखते हुए प्रेशर इतना बनाया इन लोगों ने कि आखिरकार परीक्षा की तिथि को आगे शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन क्या कोई संकेत दिया गया है कि अब ये परीक्षा फरवरी फर्स्ट वीक में होगी या आगे और भी डिले हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल प्रिया, अगर बात करें आरपीएससी की व्याख्याता भर्ती परीक्षा 5000 पदों को लेकर ये परीक्षा होने वाली थी। 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में विभिन्न विषयों की परीक्षा होने वाली थी। लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन हो रहे थे, ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, जिला कलेक्टर को सौंपे जा रहे थे, मंत्रियों को सौंपे जा रहे थे। इसको लेकर 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मुलाकात की थी, और आखिरकार शिक्षा विभाग ने इस भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय ले ही लिया। कल एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व अध्यक्षता में। उसके बाद आरपीएससी को एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये संभावनाएं मांगी गई थी कि इस परीक्षा को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो कोई और परीक्षा क्लैश ना हो। ऐसे में अब आरपीएससी से इसका लेटर मिल चुका है, साथ ही इस परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षा प्रिया, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के अंतिम वीक में हो सकती है, क्योंकि जनवरी और फरवरी का पहला वीक लगभग 12 परीक्षाओं का टाइम टेबल है। ऐसे में आरएएस जो प्री परीक्षा में पास हुए थे, इन अभ्यर्थियों की ज्यादा मांग थी, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी थे जो लेक्चरर की परीक्षा भी दे रहे थे, आरएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। इसके साथ ही अन्य जो परीक्षाएं थी उनके अभ्यर्थी भी मांग कर रहे थे। तकरीबन पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 10 से 15 हजार बेरोजगार इसको लेकर आंदोलन पर उतरे हुए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 7 दिन से अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया जा रहा था। आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था, आरपीएससी चेयरमैन का पुतला दहन भी किया गया था। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा ने फेसबुक पेज पर एक पत्र जारी करते हुए विद्यार्थियों के हित में यह फैसला बताते हुए कहा है कि जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है, और जल्द ही आरपीएससी इसकी नई तिथियों की तिथियां हैं वह जारी करेगा। जी प्रिया, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो धरना दे रहे थे, इनकी तरफ से क्या डिमांड सामने रखा गया था? कब ये परीक्षा की तिथि की मांग कर रहे थे? क्योंकि जो डेट अगर हम अनुमान लगा रहे हैं, संभवतः आपने जिक्र किया कि फरवरी लास्ट वीक में, ऐसे में बच्चों की भी परीक्षाएं होंगी 10वीं 12वीं की भी, तो डेट जो है वो क्लैश यहाँ पे करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, अगर बात की जाए बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं 10वीं और 12वीं के, उस समय कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं हम जो अधिकतर सरकारी स्कूल है उनमें आयोजन किया जाता है, तो वहीं निजी स्कूलों को भी सेंटर बनाया जाता है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, फरवरी एंड और मार्च स्टार्ट में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में अब ये जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है ये लोकसभा चुनाव के बाद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की तो इसमें 100 दिन से भी कम दिन का समय बचा है। लगातार 12 परीक्षाएं बैक टू बैक हैं आरपीएससी की, कहीं ना कहीं ये डेट क्लैश होंगी। फरवरी के अंत की अगर बात की जाए, फरवरी के अंत से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च के बिल्कुल ललित संभवतः अगर सेकंड वीक में फरवरी में ये परीक्षा संपन्न हुई तो हुई, नहीं तो फिर हो सकता है आगे 6 महीने के लिए भी डिले हो जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट देने के लिए। इधर किसान